नमस्कार, जय हिंद साथियों। मुझे दिख रहा है कि कुछ सेटिंग में कुछ गड़बड़ लग रही है, पर ठीक है। मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ उत्तराखंड में जो नया मुखौटा है उसके बारे में। और ये नया मुखौटा जो है ये आपको भ्रमित करने के लिए आया है, और उत्तराखंड की जनता मैं जानती हूँ कि ये पहचान रही है। मुझे जगह जगह से जो मैसेज मिल रहे हैं, जिनके हमने इश्यूज उठाए हैं, जिनकी जो भी उनको प्रॉब्लम्स हुई हैं, जब जब मैंने उनकी इश्यूज को उठाया तो उन लोगों के जब मैसेजेस आए तो मैंने उनसे कहा कि भाई अब की बार तो एक साल के लिए और आ गए हैं, लेकिन तीरथ सिंह रावत जी आए हैं, तो जानते हैं उन्होंने कहा कि मैम केवल एक साल की बात है और एक साल से भी कम की बात है। तो ये है सेंटिमेंट उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में ये सेंटिमेंट इसलिए है क्योंकि केवल मुखौटा भर बदला है। #TSR1 to TSR2 इसका इस्तेमाल करिए और अपनी बात को अवश्य कहिए। ये चाल चरित्र चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का है आज हमने देख लिया, और इस चाल चरित्र चेहरे में जो चीज दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व केवल इस वक्त अपना बचाव कर रहा है, क्योंकि हर जगह पे जहां पे चुनाव हो रहे हैं वहां पे ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खो रही है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो ज्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्योंकि उसको वो संभाल नहीं पाते, उसके बारे में वो समझा नहीं पाते, इसलिए वो कट एंड पेस्ट करते हैं। जब मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ पाती हूँ जिस वक्त मैं लाइव कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बहुत सारा जो है कट पेस्ट भी बहुत आ रहा है, लेकिन मैं आपसे जो बात करना चाहती हूँ वो केवल और केवल ये है कि भारतीय जनता पार्टी खत्म होती हुई है। भारतीय जनता पार्टी झूठ से बनी थी, भारतीय जनता पार्टी झूठी है, बरगलाती है लोगों को, और झूठ इन्हें समाप्त कर रहा है। और ये झूठ कैसे समाप्त कर रहा है इसको देखिए। भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र सिंह रावत से आप आ गए तीरथ सिंह रावत पर। भाई आपके पास तो दो दो रावत थे, सतपाल सिंह रावत यानी कि सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत, उनको भी बना देते, लेकिन इनको तो इसलिए नहीं बनाना क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी से यहां गए हैं। लेकिन इधर आप देखेंगे तो इनके यहाँ धड़ों में बटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और धड़े किसकी हैं? धड़े जो है आप देखिए कि किस प्रकार से बहुत सारे धड़े हैं। अजय भट्ट जो सांसद है उनका धड़ा है। अगर आप निशंक जी को देखें वो भी बड़े सपने देख रहे थे जबकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आपके बच्चों के कॉलेजेस कैसे बनते हैं ये तो मैं नहीं जानती, मगर ये जरूर बता दूं कि रमेश पोखरियाल निशंक आज जो एजुकेशन मिनिस्टर है केंद्र में, जी हाँ शिक्षा मंत्री, जानते हैं आप वो एक टीचर हुआ करते थे, उनकी पत्नी भी टीचर हुआ करती थी, अब वो नहीं है इस दुनिया में, बड़ी बहुत ही भली महिला थी। और इनके पास कॉलेजेस है, मतलब उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आए और इन्होंने कॉलेजेस बनाए, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उधर हरक सिंह रावत को अगर आप देखेंगे उन्होंने भी कॉलेज बनाया, और मैं बात कर रही हूँ आयुष कॉलेजेस की, और आयुष के जो छात्र हैं वो सड़कों पे धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, मगर उनकी बात त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नहीं सुनी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिला। और निशंक जी अभी भी सपने देख रहे थे कि उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जा सकेगा, लेकिन उन्होंने अपना अपना जो एक प्रेजेंस है वो रखने की कोशिश, बड़ी कोशिश करी उन्होंने की रहे। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से धड़ों में बटी हुई है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में, उसका नतीजा है कि इन्हें बदलना पड़ा मुख्यमंत्री। इनको बदलने की जो जरूरत पड़ी है उसमें इनका चाल चरित्र चेहरा तो आपको देख ही सकते हैं आप लोग, लेकिन ये समझ लीजिए कि इतने धड़े हैं इनके यहां पर, जो विधायक हैं अलग अलग विधायकों के धड़े हैं, और उसमें एक बड़ा धड़ा जो है वो कांग्रेस के जो बागी आज भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं, मंत्री भी बनकर बैठे हुए हैं, 5 इन्होंने मंत्री बनाए। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है क्या उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो टिकट मांग रहे थे या जो नेता जो टिकट मांग रहे थे उनकी टिकट को काट के कांग्रेस पार्टी से लोगों को ले जाना क्या वो गलत नहीं था? लेकिन उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि वो जानते थे कि उनके पास वैसे नेता ही नहीं है जो काम कर सके। अगर आप इनके मंत्रिमंडल में देखेंगे तो आपको जो 5 मंत्री दिखेंगे कांग्रेस पार्टी से गए हुए वो ऑटोमेटिकली आपको बेहतर दिखाई देंगे इनके मंत्रियों से। और ये चीज साफ है
कि उनको भी रोकना था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि केरला हो या कहीं पे भी देख लीजिए, जहां जहां चुनाव है इनकी सरकार जा रही है, भारतीय जनता पार्टी जा रही है, और ये बिल्कुल साफ है। लेकिन अब जो ये देख रहे हैं वो ये है कि कम से कम हमें, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फेस सेविंग, मतलब हम अपना बचाव तो करेंगे नहीं, हम हारेंगे तो है ही, लेकिन कम से कम हम इतना तो कर दें कि कुछ इज्जत बच जाए। इज्जत बचने वाली तब भी नहीं है क्योंकि जनता इनको पहचान चुकी है। मैं आपको बता दूं कि इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है। इनका चाल चरित्र चेहरा है कि ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार है। ये अब जो आए हैं ये छोटी कठपुतली से बड़ी कठपुतली आई है। बड़ी कठपुतली का मतलब ये हुआ कि जो बड़े भाई थे उनके छोटे भाई अब आए हैं, वो और भी बड़ी कठपुतली है, इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्हें मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया है क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो संघियों को आगे ला रही है, प्रचारकों को हर जगह, लेकिन जिस प्रकार से वो प्रचारकों को ला रही है, प्रचारक संभाल नहीं पाते हैं। अगर हरियाणा में देखें, आज सरकार बच गई, वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, लेकिन सरकार बची, लेकिन उसमें क्या चीज दिखाई दी कि JJP जो है वो किसान विरोधी है, क्योंकि किसान के मुद्दों पर वहां पर जो बहस हो रही थी उसमें ज्यादातर वो था। अब आप देखें कि किस प्रकार से, अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह की, महिलाओं के साथ इन्होंने क्या किया है वो देखिए। उत्तरापंत बहुगुणा ने बिल्कुल, जिसे कहते हैं सरकारी खा गई वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जिस दिन उनको उनका अपमान किया था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, बड़ा दिल नहीं दिखा सकते थे क्योंकि वो संघी प्रचारक है। संघी प्रचारक जो है अंदर नफरत लेके बैठा होता है और महिलाओं को कुछ नहीं समझता, महिलाओं को पैर की जूती समझता है, इसीलिए संघ में एक भी महिला चारक नहीं होती, अगर होती तो मुझे कोई भी बता दे। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से उन्होंने अभद्रता करी थी उनके साथ, हमने ये भी देखा कि उसके बाद जो महिलाएं तमाम कोई खाट पे लेके जा रहे हैं पहाड़ में, जिनको जब प्रसव हो रहा है, या किसी हॉस्पिटल के बाहर सड़क पे ही जो है प्रसव हो गया, या टॉयलेट में प्रसव हो गया, ऐसे तमाम केसेस आए थे। महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ कभी अभद्रता उत्तराखंड देवभूमि में नहीं हुई थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद इतने केसेस आए कि आप सोच नहीं सकते। और इसी का खामियाजा अब भुगतना पड़ा जब इन्होंने महिलाओं के ऊपर लाठी बरसाई। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लाठियां भांजी गई थी, जब केवल वो महिलाएं विरोध कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, आंदोलनरत थी, और पुरुष भी थे वहां पे, नौजवान भी थे, और वो क्या कह रही थी, वो कह रही थी 1.5 लेन की सड़क चाहिए, सड़क को थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए। मगर ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली अलोकतांत्रिक असंवैधानिक सरकार बन के रह गई थी, और इसी वजह से उन्हें हटाना पड़ा। असंवैधानिक मैंने क्यों कहा, क्योंकि संवैधानिक तो थी ये सरकार, इसलिए कहा क्योंकि संविधान उनको ये अधिकार देता है कि वो लोग जो है वो विरोध करें और वो उनकी बात को सुने। मगर त्रिवेंद्र सिंह रावत का अहंकार जो है वो सर चढ़ के बोल रहा था। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो जिस प्रकार से महिलाओं से बात कर रहे थे, जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं का उत्पीड़न करवाया, जिस प्रकार से उन्होंने महिलाओं पर लाठियां भंजवाई, और जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड बहुगुणा के साथ बात करी, ये कारण था कि उनकी सरकार चली गई। और केंद्रीय नेतृत्व भी देख रहा था कि कहीं पे भी कोई चीज संभल नहीं पा रही है, क्योंकि ये राज्य महिलाओं के बलिदानों से बना हुआ राज्य है। पुरुषों को जरूर मिल गई है सत्ता, मगर अगर यहाँ पे महिलाएं हैं तो महिलाओं का सम्मान आपको करना पड़ेगा। आप भले ही सत्ता में रहें, लेकिन अगर महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो देवभूमि की जनता आपको बिल्कुल किसी भी हालत में नकारेगी। मैं आपको अब कुछ लोगों के बारे में भी बताना चाहती हूँ, आपको एक वीडियो डालूंगी भी, और सीधे चार धाम के हमारे पंडा पुरोहितों का है, कुछ देर के बाद आप देखिएगा मेरे इस लाइव के बाद किस प्रकार से उन्होंने एक जुलूस तक निकाला। और ये कल की बात बता रही हूँ, जैसे ही ये खबर आई थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत हट रहे हैं, और देखिएगा कि किस तरह से उन्होंने जुलूस निकाला और जश्न मनाया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत गए। और मैं उनसे जब बात कर रही थी, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री हो, वहां की पंडा पुरोहितों से, तो उन्हीं की बात मैं बता रही थी। वो कह रहे थे एक ही साल की बात है, 108 के 717 कर्मियों को जिनको निकाल दिया गया, क्योंकि इन्होंने रूल बदल दिया। पहले उनको जो नौकरी मिली हुई थी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, उसको टेंडर पे कर दिया, और ये नहीं देखा कि ये बेचारे कहां जाएंगे, वो यहां पे बरसात में, गर्मी में किस प्रकार से आंदोलनरत रहे। मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा, उस मुद्दे को जो लोग मेरे पेज में शुरू में जुड़े थे वो जानते हैं कि उनके उनकी दुख
को किस प्रकार से हमने बड़े करीब से देखा, किस प्रकार से बिना कागजी कार्यवाही करे हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें जेल परिसर में बंद करवा दिया और उनको तब छोड़ा जब वो समझ गए कि अब ये मामला उठ रहा है। मैं वहां पे गई और मैंने जेल परिसर से वहां से लाइव किया था और आपको याद होगा कि वो मेरे उन वीडियोज में था जिसमें बहुत ज्यादा व्यूअरशिप आई थी और वो चीज जो है वो डेफिनेटली लोगों की नजर में ले आई थी। मेरा एक इसमें जो मैटर है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन में आज भी पेंडिंग है जिसमें यहाँ के जो डीएम है और एसएसपी है उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है। आपको बता दूं कि जो इन्होंने किया है उसका खामियाजा इनको भुगतना ही था क्योंकि इन महिलाओं पर इन्होंने लाठियां भंजवाई, इन्होंने वाटर कैनन से पानी फिंकवाया और देखिए कि किस प्रकार से जो स्वास्थ्य व्यवस्था उनको ठीक नहीं कर पाए। हमारे जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोरोना के समय पे कहा कि जमाती लेके आए उत्तराखंड में और बैठ के जी टीवी पे इंटरव्यू देते हुए कहा शर्म नहीं आई कि मुख्यमंत्री हो मुखिया हो झूठ बोलते हो, इतनी बड़ी मक्कारी वहां टीवी पे बैठ के इस तरह की बात करी जबकि सच्चाई ये थी कि हमारे उत्तराखंड के पहले 3 केसेस जो थे वो स्पेन से लौटे हुए इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के प्रशिक्षु थे, ट्रेनीज थे और ये पूरा उत्तराखंड जानता क्या, पूरा दुनिया ही पूरी जानती है और इन्होंने इस तरह से उन्हें बदनाम किया। उपनल के जो कर्मी है आप अगर जाएंगे धरना स्थल पे तो देखेंगे कि किस प्रकार से आंदोलन रहते हैं, अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को देखेंगे तो देखेंगे कि वो किस तरह से इनका विरोध करती नहीं है आंदोलन रत रही है। छात्रों का मैं आपको बता ही चुकी हूँ किस प्रकार से आयुष के छात्रों को रिलीफ मिला था सुप्रीम कोर्ट से, किस प्रकार से इन्होंने पत्रकारों के ऊपर झूठे केस करे। मैं आपको बता दूं कि पत्रकारों के ऊपर जब इन्होंने झूठे केस करे उस वक्त किसी कारणवश मैं वहां नहीं जा पाई थी अपने कुछ पर्सनल इशू की वजह से, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि किस प्रकार से उनके ऊपर झूठे केसेस कर रहे थे, उनके ऊपर एक्सटॉर्शन की बातें कर रहे थे और ये मैं देख रही हूं कि एक सिस्टम सा बना दिया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो ओएसडी हैं, एक उनके रमेश भट्ट भैया जब गजब के हैं, मतलब आपको काम करना वो मीडिया एडवाइजर ना क्या है, आपका काम है कि मुख्यमंत्री के कामों के बारे में लोगों को पता चले ये करें। वो क्या कर रहे थे, वो अपनी वीडियो बना रहे थे, गीत गा रहे थे, डांस कर रहे थे कहीं जंगलों में कहीं गांवों में और दिखा रहे थे कि हमारे कितने अच्छे पकवान है। क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको खुद के लिए टिकट चाहिए। इतने बड़े फरेब के साथ हम रह रहे थे और मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम ये वाला लौट तो गया, अब देखते हैं कि अगला वाला लौट जो तीरथ सिंह रावत के साथ आया है वो कैसा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि इनको जो चीज ले डूबी है वो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके भी पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देवस्थानम बोर्ड की अगर बात करें तो ये देवस्थानम बोर्ड जो है ये सीधे केंद्र ने किया है। केंद्र ने कहा था त्रिवेंद्र सिंह रावत को कि एक देवस्थानम बोर्ड बनाओ और 51 मंत्रियों का अधिग्रहण कर दो और जो जिसे कहते हैं कि उसके अधिग्रहण की बात जब हुई तो इन्होंने कौन से आश्रम और मंदिर छोड़ दिए, जो ऋषिकेश हरिद्वार यहाँ थे जिनके मालिक जो हैं वो बैठे हुए हैं हरियाणा जैसी जगहों पर, उनके ऊपर हाथ तक नहीं डाला था। उसके अलावा आपको बता दूं कि किस प्रकार से इन्होंने जब देवस्थानम बोर्ड बनाया तो कितने हमारे पंडा पुरोहित इनके विरुद्ध खड़े हो गए, आंदोलनरत रहे। आचार्य संतोष त्रिवेदी केदारनाथ में आपको मैं बता दूं 3 महीने से ज्यादा समय तक अर्धनग्न अवस्था में आंदोलन करते रहे। वहां पे पंडित विनोद प्रसाद शुक्ल हो या कोठिया जी के, मैं आपको बता दूं ये प्रदेश कार्यकारिणी में होते थे भाजपा के और वो इस वक्त जो चारधाम की कमेटी है उसके अध्यक्ष है और ये सब इनसे नाराज है। मतलब अभी आपने देखा ना, एक ठाकुर गया दूसरा ठाकुर आया, लेकिन ये बात सच है कि ब्राह्मण समाज जो है इनके विरुद्ध खड़ा है और भ्रष्टाचार का तो पर्याय ही बन गए थे, ये पर्यावरण के बारे में सोच नहीं सकते थे। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से जब आपदा आई तो इन्होंने कितनी बुरी व्यवस्थाएं कही, जो लोग इस आपदा में फंसे या जिनकी मौतें हो गई उनके परिवारजन बहुत दूर दूर से आए और ये बेचारे गरीब लोग थे जिनकी मौतें हुई क्योंकि ये मजदूर थे, मगर हमारी सरकार ने इंतजाम तक नहीं किया था उनके रहने का, उनके लिए कंबल तक देहरादून से भेजे जा रहे थे, ये आप सोचिए कि किस तरीके से उनकी देखभाल कर रहे थे, सरकार अपना काम नहीं कर रही थी जबकि सरकार के साथ ऐसी आपदा के समय हर
हर प्रदेशवासी खड़ा था और पर्यावरण से खेलने का नतीजा हमने देखा है। एक तरफ डेढ़ लेन की सड़क मांग रहे हैं, आप उनको डंडे भाज रहे हैं, लेकिन क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि जी यहाँ पे 8 लेन की सड़क बना दो तो आप चारधाम रूट के लिए कह रहे हैं 6 लेन 8 लेन जो भी बनाना है जैसा कहेंगे वैसे करेंगे, जबकि पर्यावरण की दृष्टि से वो बहुत ही नुकसानदेह था। और एलिफेंट कॉरिडोर, आपको पता है 8 एलिफेंट कॉरिडोर पे इन्होंने डी नोटिफाई कर दिया, कह दिया कि नहीं नहीं यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर नहीं है, जबकि एलिफेंट कॉरिडोर वो रास्ता है जो पहाड़ों से होते हुए उससे एलिफेंट कॉरिडोर, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे वो हैं क्या कहते हैं हाथी है, इसलिए उन्हें केवल एलिफेंट कॉरिडोर के नाम से बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शेर जो है वो ऊंची हिमालय की एरिया से निकलकर इसी रास्ते से होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाते थे, मतलब वो जो सुंदरबन वाले टाइगर है रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो इसी रास्ते से होते हुए, क्योंकि जब ठंड हो जाती है बहुत तो जानवर नीचे उतरते हैं आपको पता है, और जब गर्मी हो जाती है तो वो ठंडे की तरफ आते थे। तो इन्होंने केवल जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और मैं इस बात को मानती हूँ कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इतना पैसा क्यों लगाते, ताकि वो दिखाई दे, आपको लगे कि अरे जी सड़क बन गई, अरे जी एयरपोर्ट बन गया, लेकिन सड़क और एयरपोर्ट से क्या लोगों की जिंदगी ठीक हो जाएगी? अगर आपको सचमुच में कुछ करना है तो आपको लोगों को शिक्षा देने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो मेरी इस बात को नहीं मानता होगा। जब आप शिक्षित कर देंगे लोगों को तो वह सोच सकेंगे, वो जानते हैं फिर कि मोदी जी को वोट देना ये झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं या धमका रहे हैं, और या फिर ऐसे लोगों को वोट देना है जो धमका नहीं रहे हैं, जो हमारे लिए काम करेंगे, ये बात तो पक्की है। अब आप देखिए कि भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो कितने लगे, भाई ये मुख्यमंत्री है या अजब गजब के, मुख्यमंत्री के ऊपर इतने आरोप थे, इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने जब ये झारखंड में ढेचा बीज घोटाले से स्टार्ट करते, जब पिछली सरकार में कृषि मंत्री थे तो ढेचा बीज घोटाला हुआ था, उसके आरोप इनके ऊपर लगे, उसके आरोप कि उसमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया। उसके बाद आपको बता दूं कि जब इनको भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड का प्रभारी बनाया तो तब आरोप लगे कि इन्होंने पैसा लिया, घूस ली, और वो पैसा किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। उस केस में भी पत्रकारों को इन्होंने अरेस्ट करवा के पिटवाया भी था, जो बेहद निंदनीय है। और उस मैटर को जब वो हाईकोर्ट गया तो आपको पता है क्या हुआ, उस मैटर में त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि सीबीआई उसमें जांच करे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत भागे भागे बेचारे भागे भागे गए सुप्रीम कोर्ट। भाई अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होता तो कहते कि कर लो जांच, ये सब बेकार की बात है, कर लो जांच, यही कहते ना, लेकिन भागे भागे डरपोक गए सुप्रीम कोर्ट। वो उनका अधिकार भी है, लेकिन इसको हम नहीं कह सकते कि वो नहीं जा सकते, वो जाना चाहिए था अगर उनको जाना था तो, और अगर उन्होंने कुछ गलती करी तो भाई अपने आप को बचाने के लिए तो भाई आप जाएंगे। खैर, तो वो वहां पे गए और आप जानते हैं वहां पे क्या हुआ, वहां पे उन्हें समय दिया कि आप नोटिस जारी हुए जो ऑपोजिट पार्टी थी कि जवाब दीजिए और उसके बाद डेट पढ़नी है। अब मैं आपको बता दूं कि डेट जो है अब परसों तरसों में डेट आ रही है, इंतजार करिए, उस समय भी लाइव करेंगे। और जितने भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ लोगों ने कुछ कमेंट जरूर किया होगा, वो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन उन लोगों को बताने के लिए ये बड़ा मजेदार होगा, ताकि ये बेचारे भड़बड़ाए बौखलाए घड़बड़ाए रहे, क्योंकि आज बेचारे बड़े बौखलाए हुए हैं। बेचारे क्या करें, उनके नेता को हटा दिया, कैसे मार के निकाला है वो हमने देखा, और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता भगदड़ मची हुई है। नहीं नहीं हमारे पहले कहते थे हमारे नेता कौन से, त्रिवेंद्र सिंह रावत के कामों पे हम वोट मांगे, कौन से काम, क्योंकि काम नहीं किया इसलिए दुलत्ती और आउट। और अब जो आए हैं जानते हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काम किए हैं हम, और मतलब मैं उन्हीं कामों को आगे बढ़ाऊंगा। कौन सा काम, केंद्रीय नेतृत्व तो तुम्हारा मानता नहीं कि उन्होंने कोई काम किए इसलिए उन्हें हटाया, और आप कह रहे हैं वही करेंगे, यानी कि आप भ्रष्टाचार करेंगे। एक और भ्रष्टाचार बताती हूँ, इनके जो इंडस्ट्रियल एडवाइजर हैं उनका नाम है पवार, एक कंपनी है जिसमें वो शायद पहले डायरेक्टर थे, अब उनकी पत्नी और उनके भाई, पवार जी के भाई जो है वो डायरेक्टर है, सोशल म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी इसका नाम है। और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जो विधानसभा के पटल पे विधायक काजी निजामुद्दीन ऑलरेडी रख चुके हैं दिसंबर 2020 में, और उसमें 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उन पर लगे हैं, पवार जी की वाइफ और भाई अब
वो है, इसलिए उनका नाम ले रही हूं उनकी कंपनी पर, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है, मुख्यमंत्री का एडवाइजर हो और उनकी पत्नी के जो कंपनी में इतने बड़े बड़े पैसे, और उसमें ये भी आया था कि मतलब कुछ ही दो ही साल में या तीन ही साल में एकदम बहुत सारा पैसा बढ़ गया, मगर क्या है कोई धनिया पाउडर बेचता है उसके भी पैसे बहुत सारे बढ़ जाते हैं, हमने देखा है ना। तो ये सारे भ्रष्टाचारी जो है एक साथ मिले हुए हैं। अब देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने न केवल ये भ्रष्टाचार किया, अभी कैग की रिपोर्ट आई है कंट्रोलर एंड ऑडिट ऑडिटर जनरल की, और जानते हैं उसमें क्या आया, उसमें भी 350 करोड़ के करीब का जो है वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। और जानते हैं ये सारी चीजें तो जो हैं सो हैं, मगर ये समझ लीजिए कि किस प्रकार से ये जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, क्योंकि कर्मकार बोर्ड में 400 करोड़ का घोटाला हुआ है और नौकरियां ये किसी को नहीं दे पाए। तो अपने बच्चों के लिए आप कॉलेजेस खोलिए कि वो कॉलेजेस चलाए, आप अपने बच्चों को खूब ऊपर जगह पे पहुंचाइए, और अपनी बेचारे वो जो ट्रोल आर्मी है ना वो दो दो रुपए के ट्वीट पर बेचारे जीते रहेंगे, और अपने बच्चे इनके मजे से जो है कॉलेज में डायरेक्टर बनेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। तो ये तो इनका हाल है। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार की बात हुई है, इसके अलावा कुंभ को लेकर आपको याद होगा कि निशंक जी ने त्रिवेंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठाया था, कहा कि कुंभ में बहुत घोटाला हो रहा है। ये किसने कहा? घोटालों के मास्टर वो थे पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी की, वही कह रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए की सरकार के लिए कि कुंभ में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। और कुंभ से आप जानते हैं कि हमारे जितने जो अतिथि हैं वो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि उन्हें रोका गया था, इसलिए ये जो मुख्यमंत्री हैं इनको खास ये बात कहकर भेजी गई है कि सबसे पहला निर्णय यही लेना है आपने, और इन्होंने लेकर ये बताया है कि कुंभ के लिए जो आना चाहता है वो आ जाए, लेकिन कोविड के जो नियम है उसका पालन करें। अब देखते हैं कि हर एक को कोविड की रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी या नहीं बनवानी पड़ेगी, वो सारी चीजें देखेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम, आपको बता दूं ये जो काम इन्होंने किए हैं पर्यावरण के विरुद्ध, उसके नतीजे हमने देखे हैं कि किस प्रकार से आपदा हमने झेली है, लेकिन जो काम करे जाने चाहिए थे वो कौन से काम है? जो कांग्रेस पार्टी के अधूरे काम थे, और वो अधूरे भी इसलिए रह गए थे क्योंकि हरीश रावत की सरकार को इन्होंने गिराया भी था, उस वक्त राष्ट्रपति शासन भी लगा था मगर कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिली थी, उसके बाद वो सरकार जो है वो हरीश रावत जी हार गए थे और कांग्रेस पार्टी आउट हो गई थी, और भारतीय जनता पार्टी चार साल बेमिसाल त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम, और त्रिवेंद्र सिंह रावत के छोटे भाई तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं कि मैं वही कामों को आगे बढ़ाऊंगा जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने करे थे। तो आप समझ रहे हैं, मतलब भ्रष्टाचार को आप आगे बढ़ाएंगे, आप पलायन को नहीं रोकेंगे, आप देवस्थानम बोर्ड पे अड़े रहेंगे, आप ब्राह्मण विरोधी रहेंगे, आप पत्रकार विरोधी रहेंगे, आप छात्र विरोधी रहेंगे, आप 108 के पूर्व कर्मी विरोधी रहेंगे, आप उपनल कर्मियों के विरोधी रहेंगे, आप आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के विरोधी रहेंगे, आप महिला विरोधी रहेंगे। महिला विरोधी तो ये है, क्योंकि मैं इसके बाद अब बात करना चाहती हूं हटकर पश्चिम बंगाल में देखिए कि बड़ा मजेदार एक घटना हुई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो देखने को मिला है। और मैं ये क्यों कह रही हूँ कि उनका चेहरा देखने को मिला है, मैं आपको बताती हूँ। आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो तृणमूल कांग्रेस में थे और उनके ऊपर नारदा स्कैम हुआ था, तो उसकी वीडियो बनी थी, याद है ना आपको, जैसे हरीश रावत के ऊपर वीडियो बनी थी ठीक वैसे ही एक वीडियो बनी थी टीएमसी नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी के ऊपर। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी, उनका भाई भी शायद विधायक और उनके पिताजी तो सांसद हैं, सबने छोड़ दिए अब टीएमसी, क्यों छोड़ी है वो तो आप जानते हैं, और इनके यहाँ तो कोबरा है, बस ये कोबरा और बिच्छू की तो पार्टी है, कोबरा बिच्छू ऐसी तो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वैसे क्या कर सकते हैं, इनके जो इंस्पिरेशन है वो तो प्रधानमंत्री है ना, तो ऐसी भाषा इनके यहाँ चलती है। अब देखिए कि किस प्रकार से नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी जो है चैलेंज कर रही थी ममता बनर्जी को, और मैं आपको पहले भी बता दूं कांग्रेस पार्टी जो है तृणमूल के विरुद्ध चुनाव लड़ रही है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको जो बात कह रही हूँ वो ममता बनर्जी के बारे में कह रही हूँ, एक महिला होने के नाते ये जो घटिया संगी है ना, इनकी गंदी मानसिकता है, महिलाओं को कुछ नहीं समझते, बदतमीजी करते हैं, गंदी घटिया बातें बोलते हैं, उस तरह की बकवास करते हैं, तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। लेकिन ममता बनर्जी
के विरोध में कांग्रेस जरूर चुनाव लड़ रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन महिला होने के नाते मैं उनके साथ खड़ी हूँ जब ये संघी जो है उनके विरुद्ध घृणा से भरी हुई बातें करते हैं, अपनी पितृ सत्ता को दिखाते हैं। और इनको आज बहुत बड़ा झटका लगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने को हिंदू राष्ट्रवादी बताती है और बार बार बोलती है सेक्युलर, ऐसे सूडो सेक्युलर है, ये सेक्युलर सिक्युलर लिब क्या क्या बोलते हैं ना, बहुत सारे शब्दों का तोड़ मोड़ के बोलते हैं, लेकिन जब फेल होता है ना इंसान, और इन्हीं की वजह से आज ये सुन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की भाषा का ये इस्तेमाल करते थे आज ये भाषा इनको सुननी पड़ रही है। मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी के ऊपर आज एक अटैक हुआ। पहले ममता बनर्जी कल भी गई थी नंदीग्राम के एक हिस्से में और आज उनको अपना पर्चा भरना था, तो अपना पर्चा भरने के लिए जब वो नंदीग्राम गई और उसके उस समय नंदीग्राम में उनके विरोध में खड़े शुभेंदु अधिकारी जो हैं, जो अब भारतीय जनता पार्टी के लाडले हैं, भाई चोर कैसे इनकी पार्टी में जाके साफ होके लाडला हो जाता है। लाडले की ना इस वक्त हालत हो रखी है बुरी, मतलब मैं खराब भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती, आप कुछ भी बोल सकते हैं, समझ गए आप कि उसकी कैसी हालत हो रखी है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही थी कि अगर ममता बनर्जी के अंदर ताकत है, हिम्मत है, तो नंदीग्राम से लड़कर दिखाए चुनाव। और फिर कहने लगे जब ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी, तो जानते हैं क्या कहा उन्होंने, कहा कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की बात कर रही है और भवानीपुर से सेफ सीट रख रही है, सेफ सीट, क्योंकि वो भवानीपुर से विधायक है इस वक्त। लेकिन ममता बनर्जी ने इनको एक चपेट मारी, ऐसा चपेट मारा कि भारतीय जनता पार्टी उस दिन भी एकदम सख्ते में आ रखी थी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भवानीपुर से नहीं लड़ रही, मैं सेफ सीट की बात ही नहीं कर रही, दो सीट से नहीं लड़ूंगी, एक ही सीट से लड़ूंगी और नंदीग्राम से लड़ूंगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का चैलेंज उन्होंने स्वीकार कर दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी दोगली है ना और धोखेबाज है, ये पीठ में छुरा घूपने वाली पार्टी है। जैसे इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करी थी, ये वो पार्टी है, ये दगाबाजों की, ये अंग्रेजों की पिट्ठू पार्टी है, ये पिट्ठू है, आज भी चीनियों के पिट्ठू हैं, ये सच्चाई यही है। अब देखिए कि किस, आपने देखा नहीं हमारे प्रधानमंत्री को कैसे गले पड़ते हैं जब वो दिखता है कौन, ट्रंप, और ट्रंप को कैसे जूते मार के निकाले उसके लोगों ने, देखा ना हमने, इसराइल के नेतान्याहू उसको भी जाके गले पड़ रहा, और जब अगर अपनी संसद में राहुल गांधी गले मिल रहे हैं, थोड़ा प्यार दे रहे हैं, वो नहीं चाहिए, क्योंकि नफरत भरी हुई, उन्हें नफरत भरे हुए लोगों के साथ गले लगने में मजे आते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि क्या हुआ कि ममता बनर्जी जो है आज जब वहां पे गई तो शुभेंदु अधिकारी जो है अपने नए ऑफिस को इनॉग्रेट करने के लिए गया। कानून में एक चीज होती है मेंस रिया, मतलब कोई मोटिव तो होना चाहिए अगर कोई अटैक करता है। वहां पे अब क्या हुआ कि ममता बनर्जी जो है वो आज घायल हुई, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्द ठीक हो जाए और उनको ज्यादा चोट ना लगी हो। और ममता बनर्जी बहुत ही पतित है, मतलब ना बहुत ही छोटे साइज की पतली दुबली सी हैं, और मुझे याद है कि बहुत हेल्दी होती थी, और एक बार वो मतलब भूख हड़ताल पे चली गई थी बहुत दिनों के लिए, और मुझे याद है वो एस्प्लेनाड एक जगह है कलकत्ते में, वहां पे हुआ था, और एकदम आंखों के सामने उनकी हेल्थ को डिटीरियोरेट होते हुए सबने देखा था। और आज भी हर मीडियाकर्मी ने कहा है कि उनके चेहरे पे दिख रहा था कि कितनी उन्हें तकलीफ हुई है। अब देखिए कि ममता बनर्जी ने, मैं उनकी पॉलिटिक्स को नहीं सब्सक्राइब करती हूँ, लेकिन ममता बनर्जी ने इनके फर्जी हिंदू राष्ट्रवाद को ध्वस्त कर दिया। कैसे किया उन्होंने, एक तो जब वो भाषण देती है तो जो वंदे मातरम जरूर कहती हैं और बहुत सारे चीजें वो बोलती है, भारत माता की जय भी बोलती हैं, तो वहां पे राष्ट्रवाद हो गया खत्म। अब आज ममता बनर्जी मंदिर मंदिर जा रही थी, एक मंदिर शीतला मंदिर, दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, ये मंदिर वो मंदिर, वो मंदिर गई, अरे, और भाजपा जो है वो गई पागल। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, ये क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि भाई ये सेक्युलर है, ये दो चार दिन से चल रहा है, ये सेक्युलर है, ये क्या भगवानों के नाम ले रही है, ये सेक्युलर क्यों नहीं रहती। अरे उनकी इच्छा है, वो क्या करे भाई, तुम भी तो नहीं हो सेक्युलर है ना, और तुम तो अपना हिंदू राष्ट्रवादी करते हो, जबकि ये असंवैधानिक है, संविधान कहता है कि आपको सेक्युलर होने की जरूरत है, और आप दिखाते हैं कि आप सेक्युलर नहीं है, तो आप है ना फर्जी, आप है मक्कार और झूठे, आप है असंवैधानिक बातें करने वाले। खैर, अब ममता बनर्जी ने इनका प्लान ऐसा ध्वस्त किया कि उन्होंने मंदिर मंदिर वो गई,
आज सुबह जो है जब शुवेंदु और वो जो है वो मुस्लिम्स के लिए भी ठीक ठाक से बोलती हैं और एक ही मन से वो अगर हिंदू हिंदू भगवानों का जयकारा करती है तो मुस्लिमों के लिए भी कुछ नारा देती हैं वो। और यहाँ पे क्या हुआ, शुवेंदु अधिकारी ने आज दिन में कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता। भाई तुम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हिंदू तो कर लो, हिंदू और जय श्री राम तो कर लो, जय श्री राम बोलते हैं ना वहाँ पे, तो जय श्री राम तो कर लो। तुम कह रहे हो मैं नहीं करता, क्यों? पहले टीएमसी में था ना, विचारधारा जब फर्क होती है बड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद अब बीजेपी में आ गए, बीजेपी में तुम्हारे नेता जो है दिलीप घोष, तुम्हारे अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि जी हम तो जय श्री राम कर रहे हैं। वो तो यहां तक कह रहे थे जय भगवान राम जो है वो पुरुषोत्तम राम है, वो तो राजा थे, और दुर्गा कहां से आ गई बीच में, बताइए? भगवानों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, हद ही मचा दी। अब देखिए कि कितने घृणा से भरे हुए ये लोग हैं। ये इनके एक सांसद अर्जुन सिंह और एक इनके जो बंगाल के चीफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, वो कह रहे हैं ये झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है, नाटक कर रही है। मतलब जेपी नड्डा की गाड़ी पे जब हमला हुआ बुलेट प्रूफ कार पे, तो वो नाटक नहीं था। और जब ममता दीदी को चोट लगी तो अपनी घृणित मानसिकता, महिलाओं के प्रति जो घृणा है, पितृसत्ता तुम्हारे अंदर है, वो दिखा रहे हो। महिलाओं से इतनी घृणा कि ममता दीदी को चोट लगी है, बजाय इसके ये कहने का, इनको क्या कहना चाहिए था बताइए? सिर्फ ये कहना चाहिए था कि ममता दीदी जल्दी ठीक हो जाए और हमारी तरफ से उनको यकीन दिलाते हैं हमारे किसी ने नहीं किया, ये होता ना बैलेंस। और ये कहते हैं कि इसमें त्वरित कार्रवाई हो और जो है कार्रवाई हो और इन्वेस्टिगेशन हो और जिसने भी गलत किया उसको सजा मिल दी जाए। और ये बात सामने है, क्यों? क्योंकि अभी डीजीपी वहां पे बदल गए, तो यानी कि इन्हीं के तो मतलब के लोग आ गए होंगे। अब वो इलेक्शन कमीशन लाता है, मगर आप जानते हैं आजकल की क्या हो रहा है, सवाल तो उठेगा, कुछ भी कर लो सवाल तो उठेगा। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो बौखला गई, इतनी बौखला गई कि ये सब बोलने के बजाय ये बोलने लगी नाटक है। और इन सब चीज का फायदा जो है बंगाल की जनता ममता दीदी को अवश्य देगी। ममता दीदी वैसे भी पहले भी जीती रही है, हर जिसे कहते हैं आपको सर्वे में अगर आप देखेंगे तो केवल ममता दीदी जो है वो ही आगे चल रही है, उनकी तृणमूल कांग्रेस, और वो ही अकेली इस वक्त जिस प्रकार से विरोध कर रही है ना, जिस स्तर पर वो जा पाती है, वो शायद ही कोई और कर पा रहा है। लेकिन जब जेपी नड्डा पे हमला होता है तो भाजपाइयों संघियों, क्योंकि वो पुरुष हैं और वो तुम्हारे नेता हैं, तो कहते हो कि तृणमूल ने हमला किया। जब एक महिला को चोट लगती है तो कहते हो कि नाटक कर रही है। इसी बात पे मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी, क्योंकि ये फर्जी हिंदू नहीं है, हिंदुत्ववादी है। हिंदू अगर होते तो वो देश को साथ लेकर चल सकते, लेकिन जो भारत को कांग्रेस मुक्त करने चले थे अब मुंह की खा रहे हैं, और कांग्रेस युक्त भाजपा भी अब टूट रही है, क्योंकि कांग्रेस युक्त करने चले थे। जो कांग्रेस का नहीं हो सका वो तुम्हारा क्या होगा? और तुम तो दीमक की तरह देश को खाने की सोच रहे थे, मगर ये देश तुमसे ज्यादा मजबूत है। किसान तुम्हारे सामने है, महिलाएं तुम्हारे सामने हैं, छात्र तुम्हारे सामने हैं, सिख तुम्हारे सामने हैं, और इस देश का बच्चा बच्चा तुम्हारा विरोध करेगा। और बड़ी खुशी होती है देखकर कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऐसे दो नेता बनाए हैं जो आखिर में पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जब वो जाएंगे, क्योंकि सदैव के लिए कोई नहीं रहता, और ये बात इस बात को समझ लीजिए कि कहीं पे भी चुनाव प्रचार होता है तो केवल दो लोग होते हैं, उसके अलावा इनके पास एक व्यक्ति नहीं है, नेता तो छोड़ ही दीजिए, इसलिए इनका समय हो चुका है। आपके मैं कमेंट्स अवश्य पढ़ूंगी बाद में, मगर उत्तराखंड के लिए #TSR1 to TSR2 अवश्य चलाइएगा। और जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति ये घृणा दिखा रहे हैं, समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में ये नहीं आ रहे हैं। दोबारा मुलाकात होगी, नमस्कार, जय हिंद।